भूख लगी? ऑनलाइन महंगा ऑर्डर देके परेशान हो? तो आ जाओ फूड टैंगो पे, जहां से आप मुमरा के सारे रेस्टोरेंट, सारे ढाबे, सबकी फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, वो भी औरों से सस्ते प्राइस में। वाओ! सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिलेंगे फ्री होम डिलीवरी, शॉपिंग कूपन, आपको और आपके फैमिली को वाटर पार्क जाने का मौका और ढेर सारे ऑफर्स। क्या बात है! तो आज ही प्ले स्टोर से फूड टैंगो ऐप डाउनलोड करें, ऑर्डर दे, अपनी टाइम और पैसा दोनों बचाए। ऑर्डर एट फूड टैंगो नाउ। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। थाने के कासर वडौली पुलिस स्टेशन के हाथ में दो लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान सतीश पाटिल 55 वर्षीय के रूप में हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 9 दिसंबर 2023 की शाम में अपनी कार से सतीश पाटिल जैसे ही एक जगह पर रुके, तभी दो लोग पहुंचे और धारदार हथियार से सतीश पाटिल पर हमला कर दिए, जिसमें सतीश पाटिल की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार प्राथमिक जांच में यह पता चला है कि कुछ पैसों का लेन देन इनके बीच में था, जिसकी वजह से ये हत्या की गई है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया है और आगे पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने क्या कुछ जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। कासरवाड़ वाले आनंद नगर में जो है कुछ दिन पहले मर्डर हुआ था, क्या पूरी घटना थी और क्या कुछ मामला अब तक इकट्ठा हुआ है? 9 दिसंबर 2023 शनिवार को शाम 5:30 बजे पुलिस स्टेशन कासरवाड़ वाले के एरिया में श्री सतीश पाटिल एज 55 ईयर्स, उनका दो अज्ञात आरोपी ने वेपन लेके उन पर हमला किया, उसमें उनका मृत्यु हो गया। उसके बारे में पुलिस स्टेशन कासरवडौली में भादवी कलम 302 के अंतर्गत गुना दाखिल है और पुलिस स्टेशन लेवल पे 4 विविध टीम्स तैयार करके हम आरोपी तक पहुंचने की कोशिश करें। उसके बारे में दो आरोपी अभी पुलिस स्टेशन के ताबे में है और उनका आगे का इंक्वायरी चल रहा है। प्रथम दर्शनी ये दिख रहा है कि आरोपी जो मयत है और आरोपी उनका कुछ पैसे का लेन देन का या प्रॉपर्टी का लेन देन का कुछ विषय है, ऐसे प्रथम दृष्टया इन्वेस्टिगेशन में रिवील हो रहा है।